नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी। एनिमल किंगडम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अगर इसके फाइलम के एग्जांपल्स आपको हैरान कर रहे हैं तो आज के बाद नहीं। यस, स्वागत है बच्चों एनिमल किंगडम के शॉर्ट ट्रिक्स विद योयो बायो लेक्चर में। आज हम लोग इस चैप्टर के सारे एग्जांपल्स को अपने योयो स्टाइल में कर देंगे स्वाहा। शुरू करते हैं। पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है यूस्पोंजिया स्पोंजिला साइकोन। यूस्पोंजिया का दूसरा नाम है बेट स्पॉन्ज, स्पोंजिला का दूसरा नाम है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, साइकोन का दूसरा नाम है स्काइफा। अब एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं? एग्जाम में ना तुमसे कोई भी एग्जाम्पल पूछेंगे और उसका फाइलम पूछेंगे, या तो फिर किसी भी एग्जाम्पल का दूसरा नाम पूछेंगे। बिकॉज नीट एग्जाम में कैसा है ना, मैच द कॉलम पूछना या तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट पूछना, ऐसे अलग अलग स्टाइल में पूछ पूछ के हमको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। अब बायो में जब जब हर परिस्थिति में तुझे लगे कि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो बायो मत पढ़, तब तू पढ़ेगा योयो बायो। अब इसको हम लोग हमारे योयो ट्रिक से हैंडल करते हैं। हमारा एक दोस्त है जो नहाता नहीं है, दिल का बहुत नरम है पर थोड़ा पागल है, तो हम उसको बोलेंगे यू स्पॉन्जी साइको। यू स्पॉन्जी नरम दिल का, साइको यानी पागल। सो यू स्पॉन्जी साइको बेथ विद फ्रेश वाटर, ताजे पानी से नहा ले। ओके, सो एज टू फील स्काई हाई, तब तुझे इतना फ्रेश फील होगा कि मानो तू सातवें आसमान पे है। सो यू स्पॉन्जी साइको बेथ विद फ्रेश वाटर टू फील स्काई हाई। अब यू से तुमको स्ट्राइक हो जाएगा यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जी से स्ट्राइक होगा स्पॉन्जिला, साइको से स्ट्राइक होगा साइकोन, बेद से तुमको स्ट्राइक होना चाहिए बेद स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर से स्ट्राइक होगा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और स्काई से स्ट्राइक होना चाहिए स्काइफा। सो यहां फाइलम पोरीफेरा का हो गया स्वाहा। आगे फाइलम सिलेंटेरेटा, बहुत 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 ज्यादा गड़बड़ वाला मामला है। अब यहां पे पहला एग्जाम्पल एडेमसिया, फिर फाइजेलिया, पेनेटुला, गॉर्गोनिया, मियांड्रिना, ऑल्सो कॉल्ड सी एनिमोन, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, सी पेन, सी फैन एंड ब्रेन कोरल। अब इतना टेंशन लेगा तो बाल झड़ेगा, पेपर में फोटो आ जाएगा इसका बिफोर एंड आफ्टर, नीट लेने से पहले, नीट लेने के बाद सारे बाल झड़ गए। नहीं, बट हम इसको पढ़ेंगे योयो स्टाइल में। योयो ट्रिक ये कहता है कि एडम नाम के आदमी ने, एडम ने फाइव पेन गॉर्जियस मीना को दिया। अब एडम से तुमको स्ट्राइक होगा एडम्सिया, फाइव से फाइजेलिया, पेन से पेनाट्यूला, गॉर्जियस से गॉर्गोनिया, मीना से मियांड्रिना। अब रही बात इनके दूसरे नाम की, सो एडम ने जब पांच पेन मीना को दिया तो ये देख के एडम के सारे दुश्मन मौन हो गए, बोल नहीं पाए कुछ। सो एडम के एनिमी मौन हुए, एनिमी मौन हुए इज एनी मौन, सी एनी मौन वैसे स्ट्राइक होना चाहिए बेटा। अच्छा, ये पांचों के पांचों पेन एडम पोर्चुगीज से लाया था, सो दैट इज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। पेन पेनेट्यूला का सी पेन, तो उसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। गॉर्जियस मीना, मीना गॉर्जियस है। अब गॉर्जियस लड़कियां कैसे, कि उनको कॉन्स्टेंटली हवा करते रहो, गर्मी हो रही है ना, शी इज ब्यूटीफुल, ओके वैसा वाला, ओके राइट। सो गॉर्जियस मीना को हवा करो, हवा करो यानी फैन लेके चलो उनके साथ। सो गॉर्गोनिया इज ऑल्सो कॉल्ड सी फैन, और मीना जो है ना, मीना के दिमाग में पत्थर है यानी ब्रेन कोरल, ये समझा। सो सिलेंटेरेटा का भी हो गया स्वाहा। आगे अब टेक्स्ट बुक के बीच बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हैं जहां हमसे ये बोला है कि सिलेंड्रिकल सिलेंटेरेटा का एग्जाम्पल हाइड्रा और एडेमसिया है, और अम्ब्रेला शेप्ड सिलेंटेरेटा का एग्जाम्पल ऑरेलिया और जेलीफिश है। इसको कैसे याद रखें? इसको याद रखते हैं योयो स्टाइल में, योयो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। अब सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस एडम ने भरा, सो सिलेंडर से सिलेंड्रिकल, हाइड्रो से हाइड्रा, एडम से एडम्सिया। नेक्स्ट, और जेली खाना है हमको अम्ब्रेला शेप की, अम्ब्रेला शेप की बहुत सारी जेली खाना है हमको, सो और से ऑरेलिया, जेली से जेलीफिश, अम्ब्रेला से अम्ब्रेला शेप। नेक्स्ट, मेटाजेनेसिस का योयो ट्रिक। मेटाजेनेसिस में क्या होता है, मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली एंड पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली। अब बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप एसेक्सुअली,
और पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा सेक्सुअली, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सेक्सुअल किधर था एसेक्सुअल किधर था, क्योंकि नीट एग्जाम कैसा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट, इसी में खेल जाता है, छोटे छोटे चेंजेस कर देता है सेंटेंस में, जनरल इंप्रेशन देख के हमको आंखों का धोखा लगता है कि हाँ टेक्स्ट बुक में यही दिया है, बट सेक्सुअली के बदले वो एसेक्सुअली कर देगा और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हम कैसे याद रखें, सिंपल, ए से ए मैच करो, ए से ए मैच करो, जैसे ए से अवस्थी सर, ए से ऑसम, ए से एटीपी, अवस्थी तगड़ा पढ़ाता है ये सबने लिखना एग्जाम में, ए से ए मैच करो यानी कैसा मालूम है, ये सेंटेंस कैच करो, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली, अब पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा सा ए, ए से खत्म हुआ ना, तो उधर से उठाने का एसेक्सुअली, ये समझा, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली, तो दूसरा वाला ऑपोजिट हो जाएगा ना, मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, बेटा है ना खा खा के बहुत मोटा हो गया, ओबीस हो गया, ओबीस यानी मोटा, ले जाड़िया पड़िया ओके अब ओबीस से ओबेलिया, बेटा से मेटा, सो मेटाजेनेसिस का एग्जांपल इज ओबेलिया। ये समझे मेरे सारे प्यारे के प्यारे यूयो लवर्स, ओके सो ये पर्टिकुलर एग्जांपल का भी हो गया स्वाहा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, कंटिन्यू करें बेटा। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा, टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिए टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रैकिया। अब ये तो बड़ा आसान है क्योंकि देखो टीनोफोरा टीनोप्लेना, पर कई बार बच्चे यहां अटक जाते हैं प्लूरोब्रैकिया, तो ऐसे याद रखो योयो ट्रिक के हिसाब से कि तीनों, तीनों मतलब तीन हो गया हिंदी वर्ड तीन, दैट मीन्स थ्री, एंड थ्री इज अ प्लूरल नंबर ना, सो तीनों प्लूरो नंबर है, ओके अब तीनों से तुझे टीनोफोरा टीनोप्लेना और प्लूरो से प्लूरोब्रैकिया स्ट्राइक हो जाना चाहिए, दिमाग का बत्ती जलना चाहिए, बिकॉज दैट्स योयो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। अच्छा अब प्लैटी एलमेंटेस में टीनिया जिसको टेपवर्म बोलते हैं, फेशियोला जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, अब ये कैसे याद रखें, सो ये भी हम याद रखेंगे हमारे योयो ट्रिक से। अब मराठी लैंग्वेज में चलते हैं, ताई, ताई मतलब आंटी, ताई ने है ना मुंह पे टेप मार के फांसी ले लिया ओके जस्ट फॉर एग्जांपल है बेटा पढ़ने के लिए, ताई ने मुंह पे टेप मार के फांसी ले लिया, अब क्या उसके बॉडी के लीवर को हमने डोनेट किया है ताकि लोगों का भला हो सके। अब ताई से तुमको ताई यानी टीनिया, टेप से तुमको टेपवर्म, फांसी से फेशियोला, लीवर डोनेट किया यानी लीवर फ्लूक, ये समझे बच्चों। सो यहां पर प्लैटी हेलमेंथेस का भी हो गया स्वाहा। आगे नेक्स्ट है एस्कैल्मेंथेस, वुचेरेरिया एस्कैरिस एनकाइलोस्टोमा कॉल्ड फाइलेरियासिस राउंड वर्म हुक वर्म। हाउ डू वी रिमेंबर, वेरी सिंपल, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था, वहां पे राउंड वर्म लिखने के बदले हुक वर्म लिख दिया, तो घर पे आए तो मम्मी ने कटाक्ष में सरकैज़म में क्या कहा, वाह बेटा बहुत नाम कमा के आया है, सो वाह फिल इन द ब्लैंक्स में राउंड वर्म के बदले हुक वर्म लिख दिया। अब वाह में डब्लू मतलब वुचेरेरिया, ए मतलब एस्कैरिस, ए मतलब एनकाइलोस्टोमा, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल यानी फाइलेरियासिस, राउंड वर्म के बदले हुक वर्म लिख के आया, सो यहां पर एस्कैल्मेंथेस का भी हो जाता है स्वाहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एनिलिडा, एनिलिडा का एग्जांपल नेरिस अर्थवर्म आल्सो कॉल्ड एज फेरिटिमा, लीच आल्सो कॉल्ड एज हिरुडिनेरिया। नाउ हाउ डू वी टैकल दिस, वेरी सिंपल, एनिलिडा में से यहां से कैच करो अन्ना, अन्ना इज नोन फॉर नारियल पानी, आयो नारियल पानी, वेरी नाइस है, ओके नाउ अन्ना इज नोन फॉर नारियल पानी, तो हमने अन्ना से नीर मांगा, नीर यानी पानी, अन्ना से नीर मांगा, उसने बोला धरती के फेरे लेके आओ, धरती में घूम के आओ, पहले ऑब्जर्व करो धरती पे क्या चल रहा है, तो हमने देखा कि धरती पे यहां नीच लोग खुद को हीरो समझते हैं सही बात है, ओके एनीवेज ऐसे शब्द का इस्तेमाल हमको नहीं करना है, बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल, ओके सो अन्ना से एनिलिडा, नीर से नेरिस,
धरती के फेरे लेके आओ, धरती यानी अर्थ, सो अर्थ से अर्थवम, फेरे, फेरे से फेरिटिमा, नीच लोग, नीचे से लीच, खुद को हीरो यानी हीरोडिनेरिया। सो यहां पर एनिलिडा का भी हो गया स्वाहा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। आगे बढ़ते हैं। अब नारी हमेशा बाल को डाई करेगी, वी ऑल नो फीमेल्स, ओके, आईब्रो से लेके बिंदी से लेके बाल, वेरी इंपॉर्टेंट, नारी हमेशा अपने बाल को डाई करेगी क्योंकि वो अपनी उम्र छुपाना चाहती है, दैट्स द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ। ओके, सो नारी से नेरिस, डाई यानी डाइशियस, सो नेरिस हो जाएगा डाइशियस, बाकी बचे एग्जाम्पल जो है दैट इज अर्थवर्म और लीच, ये हो जाएंगे मोनोइशियस। आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा में बॉम्बिक्स इज सिल्कवर्म, लैक इंसेक्ट इज लैसिफर, एपिस इज हनीबी, हाउ डू वी रिमेंबर, यो ट्रिक। बॉम्बे के सिल्क मार्केट में मैंने लाखों रुपए लगाए हैं, तो वहां जाके मैं किसी भी कस्टमर या किसी भी डीलर से झगड़ा नहीं कर सकता हूं, इसीलिए अभी भी मुझे स्वीट बात करना है वहां पे, पैसे फंसे ना, नहीं तो पैसे डूब जाएंगे। सो बॉम्बे यानी बॉम्बिक्स, सिल्क मार्केट यानी सिल्कवर्म, लाखों रुपए यानी लैक्स ऑफ रुपीज, सो लैक इंसेक्ट एंड लैसिफर, लैक हो गया। अभी यानी एपिस, स्वीट यानी शहद जैसा बात करना पड़ता है यानी हनी बी। नेक्स्ट वेक्टर्स का एग्जांपल है, कुछ मच्छरों का नाम है एनोफिलस, क्यूलेक्स एंड एडीस, मस्त टेक्निक बैठा यहाँ पे, मस्त यो ट्रिक में। नाउ हियर यू कैन रिमेंबर, अन्नु जो है ना, अन्नु एक कूल येड़ी है, येड़ी खिसकी है। ओके, ऐसे लैंग्वेज नहीं बात करने का बेटा, ये खाली टेक्निक के लिए, बायो स्टूडेंट्स हैं, मैनर्ड स्टूडेंट्स। अन्नु इज अ कूल येड़ी, लाइफ में कोई डायरेक्शन ही नहीं है उसके, किसी भी तरह की चाहत, एम्बिशन, गोल, टारगेट ही नहीं है उसके जिंदगी में। अब अन्नु से एन्नु यानी एनोफिलस, कूल से कूल यानी क्यूलेक्स, येड़ी यानी एडीज, समझ रहे बेटा, डायरेक्शन नहीं है यानी वेक्टर ना, डायरेक्शन यानी वेक्टर, थोड़ा फिजिक्स आना चाहिए बेटा। ओके, आगे नेक्स्ट, ग्रिगोर जोहान मेंडल लोकप्रिय जेनेटिस्ट था, जेनेटिसिस्ट ग्रिगोर जोहान मेंडल, यू नो फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसने मटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल का पूरा नाम ग्रिगोर जोहान मेंडल। सो ग्रिगोर जो है वो लोकप्रिय जेनेटिसिस्ट था, ग्रिगोर से ग्रिगेरियस पेस्ट और लोक से लोकस्टा। लास्ट किंग लिम्यूलस, एक राजा है जिसका नाम है लिम्यूलस, आज भी खड्डा के अंदर जिंदा है, खड्डा यानी फोसा, जमीन के अंदर जिंदा है। सो लिम्यूलस और किंग यानी किंग क्रैब और फोसा के अंदर जिंदा है, जिंदा यानी लिविंग और फोसा यानी फॉसिल, सो लिविंग फॉसिल का एग्जांपल है किंग क्रैब, ये समझे बच्चों। सो यहां पर आर्थ्रोपोडा जैसे आपड़ी पोड़ा, ओके, आर्थ्रोपोडा का भी हो जाता है स्वाहा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल राइट माई डियर जाइगोट्स, कंटिन्यू करें। ओके, अब लास्ट का सेक्शन है फाइलम मोलूस का, भयंकर एग्जाम्पल भर दिया एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को लगता है हम सब बादाम खा के आए हैं। ओके, अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है सीपिया, पिंकटा, लॉलीगो, डेंटेलियम, चिटोन, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, और इसका दूसरा नाम कटल फिश, पर्ल ऑयस्टर, स्क्विड, टस्क सेल, चीटो प्लूरा, डेविल फिश, सी हेयर। अब इतना हम पढ़ेगा तो गिनीज बुक में नाम आ जाएगा गलती से। ओके, अब बच्चों देखो इसको हम लोग है ना हमारे यो ट्रिक के हिसाब से करते हैं। सितंबर मंथ में पिंकी ने बहुत लॉलीपॉप खाया। ओके, सितंबर मंथ में पिंकी ने बहुत लॉलीपॉप खाया, उसके दांत यानी डेंटल, दांतों में चीटियां लग गई, एंट को हिंदी में चीटी बोलते हैं, दांतों में चीटी लग गई। अक्टूबर महीने में उसने डेंटिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई किया। सिंपल सा पंच लाइन है, देखो एक लाइन में पूरा का पूरा मोलुस्का का हो जाएगा स्वाहा। अब सितंबर मंथ में पिंकी ने लॉलीपॉप खाया, दांत में चीटी लग गई, अक्टूबर मंथ में डेंटिस्ट के पास अप्लाई किया। नाउ सितंबर से सीपिया, पिंकी यानी पिंकटा, लॉलीपॉप यानी लॉलीगो, दांतों यानी डेंटेलियम, चीटी यानी चिटोन, अक्टूबर यानी ऑक्टोपस, अप्लाई किया यानी अप्लाई किया, हो गया ना मोलस्का का स्वाहा। ओके, आसान है ना बेटा, सारा खेल नजरिया का है, पढ़ो तो बायो है, मजे से पढ़ो तो यो बायो है।
दिल लगा के पढ़ो तो यो यो बायो समझ में आयो है, और जिंदगी भर के लिए याद रखो 7 जन्मों के लिए तो यो यो बायो समझ में आयो प्रेम रतन धन पायो। ओके अब बेटा इसका ना दूसरा नाम पकड़ते हैं। एक मर्डरर है, एक औरत है जिसने मर्डर किया, कत्ल तो किया ही ऊपर से खून भी पिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कत्ल तो किया, कत्ल यानी कत्ल, ऊपर से पिया खून भी पिया यानी सी पिया। सो यहां एक छोटा सेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट कोई मजाक करता तो हम कैसे बोलते हैं लॉल्स। ओके सो लॉल्स याद रखो, लॉल से लॉलीगो, एस से बनेगा स्क्विड, सो लॉलीगो का दूसरा नाम स्क्विड, यहां आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए बेटा। फिर आता है पिंकी लव्स पर्ल, पिंकी को ना मोती बहुत पसंद है, मोती की अंगूठियां बहुत पसंद है। ओके सो पिंकी से पिंक टडा, पर्ल से पर्लोस्टर, डेंटल और टस्क, हाथी का दांत होता है टस्क। ओके सो वैसे रिलेट कर लो, डेंटेलिया विज़ अ टस्क शेल, चीटोन और चीटो प्लूरा, चीटो चीटो। ओके नेक्स्ट अक्टूबर में हमने भूत देखा, अक्टूबर यानी ऑक्टोपस, भूत यानी डेविल, सो ऑक्टोपस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेविल फिश। आखिरी पॉइंट, नौकरी के लिए यहां अप्लाई करो, सो फॉर जॉब अप्लाई हियर, अप्लाई यानी अप्लाई सिया, हियर यानी हेयर। तो देखो छोटे छोटे पॉइंट्स का भी हो गया स्वाहा। आपकी सारे परेशानी को नजर में रखते हुए मैंने ये एक एक सेक्शन बहुत ही सोच समझ के बनाया है। आगे एकिनोडर्मेटा, इसमें भी गजब एग्जांपल बेटा, सी लिली जिसको एंटीडॉन बोलते हैं, एकिनस, सी अर्चिन, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूरा, स्टारफिश, एस्टेरिया। अब देखो इसको हम कैसे टैकल करेंगे हमारे योयो ट्रिक के हिसाब से। अब योयो ट्रिक के हिसाब से पहले तो ये याद रखो, लिली आंटी डॉन है, एकदम डेंजर आंटी है। ओके लिली आंटी डॉन है, उसके चिन पे कुकू बर्ड ने काट लिया, एक चिड़िया आके काट ली उसको, बहुत बुरा काटी। अब ये एक टूटता हुआ तारा से विष मांग रही है कि मेरा चिन ठीक हो जाए। देखो कैसे बनेगा योयो ट्रिक, लिली आंटी डॉन है यानी लिली एंटी डॉन है, सो सी लिली इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डॉन, उसके चिन पे कुकू बर्ड ने काटा, चिन यानी एचिनस और सी अर्चिन, चिन चिन, कुकू बर्ड यानी कुकुमेरिया यानी कुकुम्बर। ओके टूटता तारा, टूटना यानी ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स एनीथिंग दैट ब्रेक्स इजिली। ओके सो टूटता इज अ ब्रिटल, तारा इज अ स्टार यानी स्टार फिश, सो लिली आंटी डॉन है, उसके चिन पे कुकू बर्ड ने काटा, टूटता तारा से विश मांग रही है। अब इसमें थोड़ा और डिटेलिंग देखते हैं, ऑफिस के बाहर हमने टूटता तारा देखा, ऑफी यानी ऑफ्यूरा, टूटता तारा यानी ब्रिटल स्टार, और एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ स्टार्स, सो एस्टर, एस्टेरिया, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी इज ऑल अबाउट स्टार्स, सो दैट इज स्टार फिश। लास्ट हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में दो एग्जाम्पल है, हालांकि बच्चे इसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं, बेलेनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस, बट अगर नहीं याद रहता है तो योयो ट्रिक के हिसाब से ऐसे याद रखो कि आधा बाल सैक में है, बाल काटने के बाद आधे से ज्यादा जो हमारे बाल बचते हैं उसको गोनी में भर दिया, आधा यानी हेमी, सो हेमिकॉर्डेटा, बाल यानी बेलेनोग्लॉसिस, सैक यानी सैकोग्लॉसिस, सो यहां हेमिकॉर्डेटा का भी हो गया स्वाहा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑल राइट बच्चों, सो यहां पे हमने ना नॉन कॉर्डेट्स, जिसमें इतने सारे एग्जांपल्स है, ये टॉपिक ही अपने आप में विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है, बट हमने ये टॉपिक को कर दिया बूम, फोड़ दिया टॉपिक को। अगर इसी तरह से आपको ये टॉपिक और ये लेक्चर्स बेनिफिट कर रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और इनोवेटिव तरीके से जितना मेरे से हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा, हालांकि लेक्चर बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है। आप ये सेटअप देखोगे तो यहां एक टेबल रखा है, उसके ऊपर मैंने एक परात रखी है, फिर कैसे तो भी मैंने मेरा ट्राइपॉड स्टैंड एडजस्ट किया है, और हर बार बोर्ड रब करने के टाइम उसको जब मैं गीले कपड़े से रब करता हूँ तब प्रॉपरली साफ होता है, वरना कैसे ना क्लैरिटी अच्छी नहीं आती है, वो धूल लगा होता है ना तो क्या 100% नहीं होता है, तो अवस्थी सर को पसंद नहीं आता है, फिर जब वो गीले कपड़े से रब करते हैं फिर पंखा चालू करना पड़ता है, फिर वो सूखे तब तक हम उसका इंतजार करें, फिर बाद में उस पर नए नए पैटर्न्स लिखे, ट्रिक बनाए, और फिर अच्छे से तैयार हो, तैयार होना भी बहुत जरूरी है ना। ओके फिर जाके एक सक्सेसफुल लेक्चर बन पाता है। तो अगर आप लोग को ये मेहनत, इनोवेशन और क्रिएटिविटी पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी तरह से प्यार देते रहिए बायो को, योयो बायो को, सो योयो बायो समझ में आयो प्रेम रतन धन पायो। नमस्ते।